हल्द्वानी शहर में किराए के मकान में रह रही महिला का खून से लथपथ शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मूल रूप से रुद्रपुर की रहने वाली महिला आस्था रामपुर रोड स्थित नीलांचल कॉलोनी में गंगाराम मौर्य के मकान में पिछले 3 महीने से किराए पर रह रही थी। महिला का पति महीने में 1-2 बार ही यहां आता था। आज बुधवार को महिला का शव संदिग्ध हालत में कमरे में पाया गया। मकान मालिक ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही टीपी नगर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि 8 अप्रैल को उसका पति रात में नशे में चूर होकर आया था और उसी रात 4 बजे दोनों बच्चियों को लेकर वो चला गया। आस्था भी 2 दिन तक कमरे से बाहर नहीं आई। तब मकान मालिक मौर्य ने आस्था को फोन किया तो उसका फोन बंद आया। आज बुधवार को जब आस्था से मिलने मकान मालिक कमरे की ओर गया तो कमरे से दुर्गंध आ रही थी। मकान मालिक ने 2 मंजिले में जाकर देखा तो आस्था खून से लथपथ पड़ी हुई थी। सूचना पर टीपी नगर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी गई है। महिला के साथ रहने वाले व्यक्ति का नाम गौरव बताया जा रहा है।